नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 17 से लेके 27 मई तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करता है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये जो रीडिंग है ये जो एनर्जी है कभी भी चेंज होते हैं। जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके साथ रेजोनेट कर सकता है, आपके पर्सन के साथ। जो उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो इसीलिए एनर्जी में जाइए, आप जेंडर पे मत जाइएगा। और रीडिंग अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेड या ब्लैक कलर की जो भी सब्सक्रिप्शन का बटन आपके फ़ोन पे आता है प्लीज़ उसको क्लिक करके जाइएगा, ताकि बाद में मैं जो भी रीडिंग डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ कप्स, कप्स की रीडिंग में, वाटर साइन की रीडिंग में वाटर साइन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। वो आपसे आपके बारे में सोच के ही इमोशनल हो जाते हैं। वो बहुत प्यार आपको देना चाहते हैं, आपके प्रति उनका प्यार उछल रहा है। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ प्यार में डूब जाना चाहते हैं। अभी देखते हैं एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, कितना है? किंग ऑफ कप्स, अच्छा फोर ऑफ कप्स, द हर्मिट। मुझे लगता है आप लोगों में जो रिश्ता है, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, वो इंसान हो सकता है पहले आपको अपना प्यार नहीं दिखा रहा था, आपको अपना प्यार नहीं दे रहा था, इसीलिए आप दुखी हो, आप परेशान थे। आप लोगों का रिश्ता रुक गया था या फिर रुका हुआ है, आपको पता नहीं चलता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं भी करता है, तो कितना प्यार करता है। इसीलिए वो अभी आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं, अपना इमोशन हाइड नहीं करना चाहते हैं। और वो जो रुका हुआ था उनका इमोशन, उसको बाहर लाना चाहते हैं। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप करंटली क्या सोचते हो। द एम्परर, आप तो खुद की स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। आपको ये लगता है कि अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, अपने करियर बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपको लगता है कि इस रिश्ते में आगे जाने से अच्छा है कि मैं अपने लिए काम करूं, खुद को स्टेबल बनाऊं, अपनी काबिलियत को दिखाऊं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करूं। इस तरह की आपकी एनर्जी है। देखते हैं द एम्परर का कार्ड क्यों आया है। अगर हम द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि द एम्परर का कार्ड क्यों आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्स। पहले आपने उनसे बहुत सारी बातें की होंगी, आपको लगता था कि ये आपकी सोलमेट है, ये आप उनके साथ शादी कर सकते हो, उनके साथ आप परिवार बना सकते हो, बच्चे देख सकते हो, रिश्ता बना सकते हो। लेकिन अचानक से कोई बातों के कारण कुछ ऐसी स्थिति आ गया है जिसके कारण आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, आप परेशान हो। आपको लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि पहले तो आपको लगता था कि ये इंसान आपके सोलमेट है, इनके साथ आप शादी कर सकते हो, बच्चे घर परिवार देख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर ऐसे रिश्ते में हो जो शादी में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो अभी आप इन दिनों दुखी हो, परेशान हो, आपका दिल टूटा हुआ है। आपको लगता है कि उनसे बात करने से अच्छा है चुप रहना अच्छा है, खुद पर काम करना अच्छा है, लेकिन आपका दिल भी दुखा हुआ है। यही आपकी करंट फीलिंग्स है।
अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। वैसे तो उनका प्यार उछल रहा है आपके लिए, वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग्स है। देखते हैं वो चाहते क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो इंसान आपसे दूर रहता है, हो सकता है वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन है, या फिर उनके पास भी कोई ऑप्शन है, हो सकता है वो जॉब के कारण बाहर रहता है। देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। उनको लगता है अभी वो चाहते हैं कि वो आपके पास अपना प्यार लेके आए, जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहा है, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। वो आपकी प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, उन्होंने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया है, पैसों पे काम किया है, मतलब पैसों के लिए मेहनत किया है, काम किया है। अभी उनको लगता है कि अभी आपके तरफ उनको आना चाहिए, और वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे दूर रहता हो, तो जब वक्त सही होगा, जब उनको लगेगा कि आपसे बात करना चाहिए, वो ज़रूर आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, और वो कितना प्यार करते हैं आपसे ये ज़रूर आपको दिखाएंगे। हो सकता है वो इंसान किसी एडिक्शन में हो, वो हो सकता है वो आप ही की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता हो, या फिर उनको कोई कंट्रोल करता था पहले, या फिर वो किसी नशे की आदि थे, तो वो अभी ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके प्यार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। कप्स का कार्ड बहुत बार आ रहा है, प्यार तो बहुत है। देखते हैं आप क्या चाहते हो, आप खुद क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो, द स्टार का कार्ड। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ रिश्ते में हो, या फिर एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। आप चाहते हो खुद को हील करना। हो सकता है आपने बहुत गलती की होगी, या फिर उन्होंने आपको जितना परेशान किया है उससे आप परेशान थे, दुखी थे, तो अभी आप एक डीप हीलिंग करना चाहते हो। आप अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहते हो। आपने जो भी कारण से, हो सकता है आपने उनको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया था, आपने उनको बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, आपने उनको कभी रोका टोका नहीं था, तो अभी आपको लगता है ये जो चीज़ आपने की थी, इतनी जो छूट आपने उनको दिया था, इससे आपने गलती को आमंत्रण दिया था, इसीलिए आप खुद को हील करना चाहते हो। पूरी तरह से एकदम से पुरानी चीज़ों को अपने अंदर से अलग करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, और जो गलती, जो परेशानी आपने झेली थी, उस परेशानी से खुद को बाहर निकलना चाहते हो, यही आप चाहते हो करंटली। देखते हैं द स्टार का कार्ड क्यों आया है। अगर हम द स्टार का कार्ड, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करें, तो देखेंगे द स्टार के कार्ड क्यों आया है। द हाई प्रिस्टेस, अभी आप नॉलेजेबल हो गए हो, अभी आपको पता चल जाता है। देखिए कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्योंकि अभी आपको समझाना, आपको बोलना, ये बहुत आसान काम नहीं है। अभी आप पहले जैसे नहीं हो, अभी आपको सब कुछ पता चल जाता है, आप किसी को भी देख के ये समझ जाते हो कि सामने वाला क्या कहना चाहते हैं, अभी आप समझदार हो गए हो, इसीलिए आप खुद को हील करना चाहते हो। आप लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आपने बहुत परेशानी देखी होगी, लेकिन आप रिश्तों से गिव अप करना भी नहीं चाहते हो। आप रिश्तों को दोबारा से पाना चाहते हो, पुराने दिन वापस चाहते हो, जीना चाहते हो, लेकिन पुरानी स्टाइल से कभी भी नहीं। पुराने वक्त में हो सकता है आपने, पिछले वक्त आपने गलती की होगी, ओवर गिवर हुआ थे, आप कुछ बोलते नहीं थे,
आप देते गए उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, इसीलिए अभी आप रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप रिश्ते को दोबारा से जीना तो चाहते हो लेकिन स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, आप पुराने स्टाइल से खुद को रखना नहीं चाहते हो, आप खुद को इतना पावरफुल इतना स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह पेश करना चाहते हो कि कोई भी आपको कुछ भी बोलने से पहले दोबारा सोचे, और आप खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो, पहले जैसी इतने वीक आप नहीं हो, पहले जैसी इतना इमोशनल पर्सन आप नहीं हो, आप अभी बहुत ज़्यादा समझदार बन गए हो, लेकिन आप पुराने रिश्ते नई तरह से चाहते हो। यही आपकी करंट एनर्जी है, आप यही चाहते हो। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या है। थ्री ऑफ कप्स, टीम वर्क करना पड़ेगा, हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे से बात करनी पड़े, किसी की मदद लेनी पड़े, मदद लेके रिश्ते को सही करना पड़े। देखते हैं थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है। आप लोग को खुश रहना चाहिए, बातें करना चाहिए। देखते हैं थ्री ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो पता चलेगा कि थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है। द सन का कार्ड, न्यू बिगिनिंग, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड। आप लोगों को रिश्ते में नई शुरुआत तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, आप लोगों की रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकते हैं आप लोग बच्चों की माता या पिता हो पहले से, या फिर बनना चाहते हो, या फिर रिश्ता इतना गहरा है कि आपको लगता है एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताया जा सकता है, इसीलिए आप लोग इस रिश्ते का आउटकम देखिए, यही आया है। जस्टिस, जस्टिस मिलना चाहिए, जिसने भी जिसके साथ अन्याय किया है उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और दुखी मत रहना है, परेशान मत रहिए। आप रिश्ते में नई शुरुआत कीजिए, बाय हु कैन कुक, आप लोगों को रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए, एक विक्ट्री के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ नई बिगिनिंग करना चाहिए। इस रिश्ते की आउटकम यही है। अगर इसके लिए किसी की मदद भी लेनी पड़े, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी की मदद से अगर रिश्ते को सही करना पड़े तो आप कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। रिश्ते से गिव अप मत कीजिए, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स का कार्ड। आज की सारे रीडिंग में लवर्स का कार्ड और टू ऑफ कप्स का कार्ड बहुत आ रहा है। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग मत कीजिए, परेशान मत होइए, डिसाइड कीजिए, सही तरह से डिसीजन लीजिए। लवर का कार्ड आया है। अगर आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो तो आपको जगलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक के पास और भी ऑप्शन है, तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, आपको चाहिए क्या। देखिए, दोनों हाथों में लड्डू रखना तो सही नहीं है। आप अगर दोनों रिश्ते को सही तरह से चलाना चाहते हो तो ये कभी नहीं चल सकता, इसीलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए। प्यार को लेके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आप जिससे भी प्यार करते हो आपको ये लगता है कि ये आपके सोलमेट है, क्योंकि बार बार ही डिसीजन लेने का कार्ड आया है और ऑप्शन भी आया है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, कोई एक तो है जिसके पास ऑप्शन है। वो ऑप्शन प्यार का ऑप्शन हो सकता है, जॉब का, किसी घर वाले और आप में अगर चुनना पड़े तो, इस तरह की अगर आपकी सिचुएशन है तो आपको तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आपको प्यार चाहिए या फिर दूसरा चीज़। और अगर आप दोनों में ही जगलिंग करते रहोगे, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप जगलिंग करते रहोगे तो कभी भी आपको सही समाधान नहीं मिलेगा, किसी एक चीज़ को आपको छोड़नी पड़ेगी। दोनों चीज़ तभी संभली जाती है जब दोनों की मर्जी सही हो। अगर एक नहीं चाहता है कि आप दो दो चीज़ों के साथ रहो तो ये कभी नहीं संभव होता है, इसीलिए आपको डिसीजन लेना है। और अगर आप खुद से नहीं ले रहे हो
तो देखिएगा यूनिवर्स ही ज़बरदस्ती आपसे ऐसा कोई डिसीजन ले लेना करवाएगा जिससे बाद में आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन यूनिवर्स का ही था, ये मैंने सोचा भी नहीं था कभी, लेकिन ये कैसे हो गया है। तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए और जहाँ आपको प्यार मिल रहा है आपको अपने प्यार के साथ जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।